नमस्कार। सियासी हलचल में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन की। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गुना शिवपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह गुना के हनुमान टेकरी मंदिर पर दर्शन और पूजन करने पहुंचे। इसके बाद काफिले के साथ शिवपुरी के लिए रवाना हुए। यहाँ से म्याना कोलारस होते हुए शिवपुरी पहुंचे, जहाँ रास्ते में जगह जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद शिवपुरी पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हो चुका है और आज जिस प्रकार से सैलाब उमड़ा है हमारा गुना से शिवपुरी तक, मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदास शर्मा जी और जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के एक तरह से हीरो है, जिनका नामिनेशन आज जमा हुआ, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस प्रकार से जनता ने पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया है, ये अपने आप में इस बात का एहसास करा रहा है कि हमारी जीत कितने अच्छे ढंग से होने वाली है। खासकर मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज मैं गुना से ही लौटा हूँ, गुना होकर के फिर शिवपुरी तक आया हूँ। मेरे साथ हम सब लोग ही आए हैं और ये मान के चलो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से केवल कमल खिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारी भाजपा बढ़ेगी और खासकर इस बार 29 की 29 लोकसभा हम जीतने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को बधाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश के लिए कार्य करने का मौका मिला है, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के प्रति, गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रति जिनका प्रभाव सदैव रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पी डी शर्मा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन तीनों के छत्र छाया में हम जैसा एक बीच अंकित भारतीय जनता पार्टी ने हो पाया। मैं आज तीनों के प्रति अपनी कृतज्ञता देता हूँ। इतना समय उन्होंने निकाल कर इतने व्यस्त कार्यक्रम में, कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आज गृहमंत्री जी का कार्यक्रम है, फिर भी समय निकाल कर आए। मैं कृतज्ञ हूँ तीनों को। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।